राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, पूर्व उपराज्यपाल पांडिचेरी डॉक्टर किरण बेदी जी, सी विंग्स फाउंडेशन के संस्थापक श्री मदन मोहित जी, आमंत्रित शासकीय अधिकारी तथा अन्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मैं सी विंग्स फाउंडेशन द्वारा विमेन लीडरशिप समिट के आयोजन पर शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सी विंग्स संस्था द्वारा देश भर में महिलाओं में नेतृत्व विकास, उनको आर्थिक उपार्जन, स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। देश की आधी आबादी यानी महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि केवल सशक्त महिलाएं एक सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। वे कहते भी हैं कि देश की महिलाएं चाहे खेलकूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं आगे बढ़ रही है और अपनी उपलब्धियां से देश का गौरव बढ़ा रही है, अपने आत्मबल से खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। नारी का समग्र विकास, सशक्त नारी ही न्यू इंडिया है। हमारे संविधान में महिलाओं और पुरुषों सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक के विकास में महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा मानना है कि महिलाओं की क्षमता का पूर्ण विकास किए बिना हम किसी भी व्यवस्था का विकास नहीं कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्रीय अथवा वैश्विक विकास तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें महिलाओं के विकास और उनके लिए बनी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था सम्मिलित न हो। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी संपूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मूलभूत आवश्यकता है। स्वस्थ और शिक्षित महिला ही परिवार और समाज को अपना बेहतर योगदान दे सकती है। यह जरूरी है कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा तथा न्यायिक शक्ति सहित सभी अधिकार बराबरी पर हासिल हो। यहाँ मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में राज्यसभा में भारत में नागरिक संहिता पर पेश हुए निजी विधेयक को भारी मत से स्वीकृति मिली। ये बेहद महत्वपूर्ण है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून का प्रावधान करती है। समान कानून व्यवस्था में सभी धर्म की महिलाओं को समान न्याय व्यवस्था भी प्राप्त होगी। मित्रों, अगर गौर किया जाए तो पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के हित में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिससे वे अपनी प्रगति का स्वर्णिम इतिहास लिख सके। महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना तथा प्रधानमंत्री समर्थ योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इन सभी योजना का उद्देश्य हाशिए पर खड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना है। हम सभी जानते हैं कि हमारी 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण महिलाओं ने भी आत्मनिर्भर बनते हुए कई सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर प्रगति का मार्ग अपनाया है। वे चाहती हैं कि जानकारियां उन तक पहुंचे, वे भी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए सूचनाएं प्राप्त कर सके। ऐसे में सामाजिक संगठनों का सहयोग महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य समस्याओं, पोषण के बारे में जानकारी करके उन्हें समाधान देना होगा। आज देश में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। 9 से 14 वर्ष की बालिका को HPV वैक्सीन की 2 डोज लगती हैं, जबकि 15 से 26 वर्ष की लड़की को इसकी 3 डोज लगाई जाती है। इस टीकाकरण से बेटियों को आजीवन सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर गांवों में गोद लेकर बालिकाओं का ये टीकाकरण कराना चाहिए।
हमें अपनी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जन सहयोग से कार्य करना चाहिए। मैंने स्वयं भी राजभवन में कार्यरत एवं आवासित कर्मचारियों की बेटियों के लिए कैंप लगाकर टीकाकरण करवाया है। मुझे जानकारी दी गई है कि श्री विंग्स फाउंडेशन महिलाओं को हाइजीन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जागरूक करने का कार्य करती है। ये सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल, उनका टीकाकरण, उचित पोषण व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि सामाजिक संस्थाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में जुड़कर महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने में भी सहयोगी बने। मैंने राजभवन में पूरे उत्तर प्रदेश से क्षय रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषक सामग्री प्रदान करने की परंपरा प्रारंभ की थी, जो आज भी चल रही है। इससे बहुत अधिक संख्या में रोगी लाभान्वित हुए और रोग मुक्त होकर स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे इस कार्य में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी और सहयोग किया। मैं श्री विंग्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वुमन लीडरशिप समिट में मौजूद सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण देश की प्रगति का आधार है। प्रगति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। हमारे देश के बच्चे और महिलाएं स्वस्थ और शिक्षित हो, इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी से कार्य करें और एक मजबूत भारत के लिए महिला और पुरुष की समान भागीदारी हो। मित्र, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारी थाली से मोटे अनाज विलुप्त हो गए हैं, जबकि बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में हमें काम करने को जरूरत है। वर्तमान समय में विभिन्न चिकित्सा और आहार विशेषज्ञ द्वारा मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करने की सलाह दी जाने लगी है, क्योंकि ये अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। मित्रों, 60 के दशक में भारत में मध्य और दक्षिण भारत तथा पहाड़ी इलाकों में मोटे अनाज की भरपूर खेती होती थी। उस समय देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज का 40% उत्पादन किया जाता था। भारत सरकार ने मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2018 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलेट्स की मांग और स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए अनेक कदम उठा रहा है। मित्रों, अधिकतर भारतीय घरों में आज भी गेहूं की जगह मक्के और बाजरा की रोटी पसंद करते हैं। सर्दियों में तो लोग बड़े ही चाव के साथ इसका सेवन करते हैं। आम बोलचाल भाषा में इसे मोटा अनाज कहा जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू शामिल है। सर्दी के दिनों में ठंड से शरीर को बचाने के लिए ज्वार और बाजरा खाने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन आज के बदलते दौर में मोटे अनाज का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोटे अनाज से बने व्यंजनों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अन्य अनाज की तुलना में मोटे अनाज काफी सस्ते होते हैं। इसके साथ ही इसमें कोई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कुपोषण पर जीत पाने वाले मोटा अनाज मददगार साबित हो सकता है। गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाज में मिनरल, विटामिन, एंजाइम और इनसॉल्युबल फाइबर भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही मोटे अनाज में मैक्रो और माइक्रो जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इस तरह मोटे अनाज को खाने से शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, साथ ही यह कुपोषण से भी बचाव करेगा। मोटे अनाजों में बीटा कैरोटीन, नाइयासिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि खनिज लवण भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अभी भारत में G20 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा, वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक
इसकी बैठकें आयोजित हो रही हैं। प्रदेश की महिलाएं भी इस इवेंट में बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता करें। वे देश स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाजों के व्यंजनों के कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। G20 देशों से आए प्रतिनिधियों को इन व्यंजनों की उपादेयता बताकर इसका विश्व स्तर तक प्रचार कर सकती है। प्रदेश के विभिन्न मोटे अनाजों के बारे में भी प्रदर्शनी आयोजित कर प्रतिनिधियों को उसमें आमंत्रित करके विश्व स्तर तक इसका प्रचार कर सकती है। मित्रों, मोटे अनाजों से बने व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक होते हैं। जैसे बाजरा से बनी खिचड़ी, रागी डोसा, रागी रोटी, ज्वार की रोटी, हल्दी की सब्जी, बाजरा और चूरमा तथा मीठे व्यंजनों में बाजरा खीर, बाजरा केक आदि हम बना सकते हैं। कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं फाउंडेशन के सभी अधिकारियों और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।